Hello students, welcome to our YouTube channel Experience Tutor. हमारे YouTube channel Experience Tutor में आपका स्वागत है. आज हम लोग discuss करेंगे Class 12th Chemistry Chapter 10 Haloalkanes and Haloarenes ncert solution Part 14. आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें. बेल आइकन के नोटिफिकेशन को कृपया ऑन कर लें जिससे कि आप हमारे वीडियो कभी मिस नहीं करेंगे. चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10.22. व्हाट हैपन व्हेन First, N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH. Second, bromobenzene is treated with magnesium in presence of triether. Third, chlorobenzene is subjected to hydrolysis. Fourth, ethyl chloride is treated with aqueous KOH. Fifth, methyl bromide is treated with sodium in the presence of triether. Sixth, methyl chloride is treated with KCN. तो फर्स्ट क्वेश्चन है एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KOH व्हाट हैपेंस. तो क्या होगा कि व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH तो बट वन इन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, अब इस रिएक्शन को एक बार देख लें. ये मान लीजिए ये है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, पहले लिखेंगे CH3, CH2, 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 CH2 और यहां पे आएगा क्लोराइड. तो ये हो गया एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये तो हो गया एन ब्यूटाइल क्लोराइड. अब ये इसका ट्रीटमेंट होता है किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ. ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन. रिएक्शन अब इससे क्या बनती है, इसे बनती है CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O, ये बनती है. ठीक है, तो इसका नाम क्या है, बट वन इन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ एमजी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो ये क्या देगा, ये देगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, सिंपल सा रिएक्शन है, ये हो गया ब्रोमो बेंजीन. ठीक है, और ये रिएक्ट करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये दे देगा MgBr. ठीक है, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके
फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड देगा, ठीक है। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, मींस क्लोरोबेंजीन का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या देगा। तो क्लोरोबेंजीन नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है क्लोरोबेंजीन का। तो कब यह हाइड्रोलाइसिस होती है, जब हम हीट करते हैं, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। कितना टेम्परेचर में, 623 डिग्री के, और प्रेशर होता है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ऐसा कंडीशन होता है तो हमारा फेनॉल बनता है। चलिए रिएक्शन को देखते हैं। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। अब ये इसको ट्रीट करते हैं फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। टेम्परेचर हो गया 2623 K और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां पे हाइड्रोजन आयन रहता है। तो इस कंडीशन में ये क्या दे देता है, फिनॉल दे देता है। ये हो गया फिनॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH, क्या होता है। तो इथाइल क्लोराइड को जब एक्वस KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो वो हाइड्रोलाइसिस होता है और ये इथेनॉल बनाता है। सिंपल सा रिएक्शन है, देखते हैं एक रिएक्शन। ये है इथाइल क्लोराइड, ठीक है। वो फिर प्लस KOH के साथ रिएक्ट करता है, KOH के साथ रिएक्ट करता है, एक्वस KOH, ठीक है, AQ, एक्वस KOH के साथ। तो इस रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो यहां से ये 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 कट के ये हो जाता है KCl, और यहां पे ये OH वहां ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये इथाइल अल्कोहल हो गया और ये KCl अलग हो गया, तो ये इथेनॉल और वो KCl, ठीक है। और ये हम स्टार्ट किए थे यहां इथाइल क्लोराइड से, क्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है मिथाइल ब्रोमाइड को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या देगा, तो ये क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक ऊर्ज रिएक्शन है। तो ये क्या देगा, इथेन देगा, ठीक है। तो टू मॉलिक्यूल रिएक्शन देख लेते हैं। टू मॉलिक्यूल ऑफ, मान लीजिए मिथाइल ब्रोमाइड है, ये 2Na के साथ रिएक्ट करती है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में,
ये ऊर्ज रिएक्शन देती है। ऊर्ज रिएक्शन देती है, इसको ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। और ये क्या देती है, CH3 CH3, और हमारा क्या निकल आता है, NaBr, एक बाय प्रोडक्ट बनता है, और ये हो गया इथेन। हम स्टार्ट कहां से किए थे, मिथाइल ब्रोमाइड से स्टार्ट किए थे, और मिल क्या गया, हमें इथेन मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल क्लोराइड को जब हम KCN के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या देता है। तो मिथाइल क्लोराइड को जब KCN के साथ ट्रीट करेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे इसको, और ये क्या देगा, मिथाइल साइनाइड देगा। ठीक है, अब मिथाइल क्लोराइड मान लीजिए ये है, अब KCN ये है, अब इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये बन गया आपका KCl, तो ये बन जाएगा CH3CN, और यहां पे KCl बन गया। अब ये इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल साइनाइड, ये कंपाउंड बन गया मिथाइल साइनाइड। ठीक है, कोई इश्यू है, तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज का सम हो गया यहां पे, द एंड। ठीक है, आज का चैप्टर तो ये समाप्त हो गया, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्लीज ऑन कर लें, जिससे कि आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्जाम्स में काफी अच्छे मार्क्स आए, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, थैंक यू वेरी मच।